लोकसभा चुनाव के महाकुंभ में तीसरे चरण का मतदान शुरू होने में अब 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो सबकी नजरें टिकी हुई है हॉट सीट मैनपुरी पर। मैनपुरी के महासंग्राम की बात करेंगे आज इस खास प्रोग्राम में, और जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव परिवार के सीट पर दबदबा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की कितनी भी लहर क्यों ना चली हो लेकिन मैनपुरी का किला फतह करना उनके लिए हमेशा टेढ़ी खीर दिखाई दिया है। जी हाँ, जब से ये सीट अस्तित्व में आई है उस वक्त से लेकर लगातार मुलायम परिवार या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के यहाँ पर समर्थित उम्मीदवार चुनावी मैदान में बाजी मारते रहे हैं। इस बार अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की सबसे हॉट सीट मैनपुरी पर अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि वर्ष 2022 में मुलायम सिंह यादव, जो कि नेताजी के नाम से देश भर की राजनीति में प्रख्यात थे, उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में डिंपल यादव को 2,88,000 वोटों से जीत मिली। इस बीच आपको बता दें कि मैनपुरी के संग्राम की बात की जाए तो मैनपुरी लगातार एक ऐसी सीट के रूप में जानी जाती रही है जहां पर समाजवादी पार्टी सीट को अपनी सबसे हॉट और सुरक्षित सीट मानती है, जहां पर यादव मतदाताओं की बाहुल्यता है और इस यादव मतदाताओं की बाहुल्यता के कारण समाजवादी पार्टी को इसका लगातार लाभ मिलता रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी समय समय पर इस समाजवादी पार्टी के किले को यहाँ पर कहीं ना कहीं ध्वस्त करने के प्रयास करती रही है, लेकिन अभी तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है। आखिरकार क्या 2024 के इस चुनावी महासंग्राम में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मैनपुरी लोकसभा सीट को हार जाएगी और क्या यहां पर समाजवादी पार्टी अपना रिकॉर्ड कायम रखते हुए एक बार फिर इस सीट पर जीत दर्ज करेगी? तो चलिए शुरुआत करते हैं मैनपुरी के इस महासंग्राम की। मैनपुरी के महासंग्राम में यदि बात करें चुनावी धुरंधरों की तो डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जयवीर सिंह मैदान में उतरे हुए हैं, जबकि बीएसपी ने यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए शिव प्रसाद यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाते रही यहाँ पर मैनपुरी, आखिरकार क्यों यादव परिवार के लिए एक मजबूत सीट है? आपको बता दें कि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव 5 बार सांसद रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत यहीं से की और धर्मेंद्र यादव ने उपचुनाव जीत करके राजनीति में एंट्री की। वो उपचुनाव भी उन्होंने पहली बार मैनपुरी लोकसभा सीट से ही जीता। तेज प्रताप यादव की बात की जाए तो उपचुनाव जीतकर राजनीति में एंट्री करने वाले मैनपुरी लोकसभा सीट से तेज प्रताप यादव यादव परिवार के तीसरे ऐसे सदस्य थे जिन्होंने मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव जीता। और नेताजी के निधन के बाद डिंपल यादव की सक्रिय राजनीति में एंट्री होती है और यहां से 2,88,000 वोटों से मजबूती के साथ डिंपल यादव चुनावी मैदान में बाजी मार लेती है। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट यहां यादव परिवार के लिए एक सुरक्षित और एक हॉट सीट मानी जाती रही है। मैनपुरी में डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव का राजनीतिक डेब्यू हुआ है और इसी को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव पर चुनावी दांव खेला है। आपको बता दें कुल मतदाताओं की यदि बात की जाए तो करीब 18 लाख मतदाता मैनपुरी में यहां पर मौजूद हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से आपको समझा दें तो यादव मतदाताओं की संख्या 4,25,000 के करीब है। शाक्य मतदाता 3.25 लाख मौजूद है। क्षत्रिय मतदाता यहाँ पर 2.25 लाख की संख्या में मौजूद है। ब्राह्मण मतदाताओं की बात की जाए तो 1 लाख ब्राह्मण मतदाता है। दलित मतदाता यहाँ पर 1.25 लाख मौजूद है। लोधी मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है और 1 लाख की मौजूदगी है। वैश्य मतदाताओं की संख्या 70,000 है। मुस्लिम मतदाता 55,000 वोट बैंक है, जो कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होता है। और यदि अन्य जातियों के मतदाताओं की बात की जाए तो यह आंकड़ा करीब 3.25 लाख बैठता है। यानी कि जाहिर तौर पर सबसे बड़ी यहां पर जो वोट बैंक है वो यादव वोट बैंक है और मैनपुरी को अखिलेश यादव इसी आधार पर चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां कर रहे हैं। अब आखिरकार पिछले 4 चुनाव का क्या नतीजा रहा? जब 2014 से लेकर 2019 में मोदी लहर की बात की जाती रही है तो मैनपुरी ने किसका साथ दिया है?
2004, 2009, 2014 और 2019 में यहां पर चार बार मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से जीतकर सांसद बने। 2004 में धर्मेंद्र यादव ने ही मैनपुरी से उपचुनाव जीता। 2014 में तेज प्रताप यादव यहां से उपचुनाव जीतकर सांसद बने और 2022 में एक बार फिर से यहां चर्चा करेंगे डिंपल यादव की, जो कि नेताजी के निधन के बाद घरेलू सीट से 288,000 अधिक वोटों से जीत करके चुनावी मैदान में बाजी मार ले गई। ऐसे में मैनपुरी का रण काफी यहां पर दिलचस्प होने वाला है। कल मैनपुरी में वोटिंग होने वाली है। मैनपुरी की वोटिंग को देखते हुए यहां पर समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर तमाम तैयारियां पुख्ता करने में जुटी हुई है। इस बीच आपको बता दें कि मैनपुरी में करहल चौराहे पर स्थित महाराणा प्रताप की स्टैचू जो मूर्ति थी उस पर चढ़कर समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने यहां मैनपुरी में अखिलेश यादव और डिंपल यादव के समर्थन में नारेबाजी की। इस नारेबाजी की सजा उन्हें यह मिली कि करीब 100 कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी के जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको पुलिस ने हिरासत में लेकर के थाने में बंद कर दिया। इस घटना के बाद शिवपाल यादव काफी नाराज नजर आए। उनका कहना है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार चुनाव आयोग के तमाम दावों की यहाँ पर धज्जियां उड़ा रही है। चुनाव आयोग की तरफ से अपील की जा रही है कि अधिक से अधिक मतदान किया जाए, जबकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं को जबरन यहाँ जिस तरीके से गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर के थाने में बंद कर रहा है, इससे कहीं ना कहीं मैनपुरी का मतदान प्रभावित करने की कोशिशें की जा रही है। उन्होंने इस पूरे मामले पर योगी सरकार पर करारा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार भारतीय जनता पार्टी जो तमाम जुमलों के आधार पर राजनीति कर रही है, चुनावी मैदान में तो हार चुके हैं, लेकिन इस तरीके की ओछी हरकतें करके समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार मैनपुरी लोकसभा सीट जहां से डिंपल यादव चुनावी मैदान में है, पूरा परिवार उनके लिए चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुटा हुआ है, पुख्ता तैयारियां की जा रही है, एक एक वोट को बूथ स्तर पर डलवाने की कोशिश की जा रही है। शिवपाल यादव ने जिला के यहां पर एसपी पुलिस अधीक्षक और इसके साथ साथ डीएम से भी बात की और उन्होंने यहां पर जबरदस्त पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई। इसके साथ साथ ये भी कहते नजर आए कि 2022 में जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव प्रभावित किया गया था, ऐसे में ही 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के विजयी रथ को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी नापाक हरकतें कर रही है। यानी कि साफ तौर पर निशाना बीजेपी योगी सरकार पर है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन के यहाँ आदेश के अनुसार जिस तरीके की कार्यवाही पुलिस कर्मी कर रहे हैं यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, वो वाकई में कहीं ना कहीं मुश्किलों भरा है और ये देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए काफी हानिकारक है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार शिवपाल यादव के इन तमाम दावों के दम पर और जिस तरीके से उन्होंने जो फटकार लगाई है उस फटकार लगाने के आधार के ऊपर अब अधिकारी क्या एक्शन मोड में आते हैं।